कॉलेज के कैंटीन में दोस्तों के साथ जलसा मनाने वाले आज अपने भाई बहन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। घर से निकलते ही गाड़ियों में घूमने वाले आज दो चार कदम पैदल चलकर जा रहे हैं। रिश्तेदारों और साथियों के साथ महफिलें जमाने वाले आज कहानियों और किताबों से दिल बहला रहे हैं। प्रिय व्यक्ति जिन्हें मिले बिना चैन से नहीं रहने वाले आज उनकी आवाज सुनकर ही मन मना रहे हैं। बचपन की यादों को दफनाकर क्लब में पार्टी मनाने वाले आज लूडो और सांप सीढ़ी से यादों को ताजा कर रहे हैं। बीवी बच्चों और परिवार से मिलने का वक्त ढूंढने वाले आज घंटों तक उनसे दिल की बातें करते जा रहे हैं। मौज शौक और अय्याशियों में पैसा उड़ाने वाले आज पैसों की कदर करना सीखते जा रहे हैं। जू और पक्षी घरों में कैद प्राणियों को देख मनोरंजन मनाने वाले आज बंधन और कैद का दुख अनुभव कर रहे हैं। लगाम बिना के जीवन से प्रकृति को प्रदूषित करने वाले आज प्रकृति से सबक सीखते जा रहे हैं। होटल के अबक्ष खाने से उंगलियां चाटने वाले आज घर के सेहतमंद खाने का मजा उठा रहे हैं। पूर्व पुण्य से मिले सुख साधनों में मशगूल रहने वाले आज धर्म और भगवान की कीमत समझते जा रहे हैं। अहिंसा की बातों को कानों से आर पार करने वाले आज हिंसा का कहर नजरों नजर देखते जा रहे हैं। जी हाँ, पुण्य जब खिल उठता है तो चप्पर फाड़ कर बहुत कुछ देता है, पाप का घड़ा जब फूटता है तब थप्पड़ मार कर सब छीन लेता है। कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जिन जीवों को छोटा और तुच्छ मानकर मारते जा रहे थे आज वे ही जैसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जागो यारो, प्रेम करुणा अहिंसा को दिल में बसाओ, नफरत वैर हिंसा को मन से मिटाओ, तब ही उजला चमन खिलेगा, विश्व खुशहाल बनेगा, विश्व खुशहाल बनेगा।